साइकिल से आया सनम, साइकिल से रहे रांची से आया गोरी तेरे लिए, मर जाएंगे मिट जाएंगे रे सनम, थोड़ा सा प्यार कर लो। डोंट जज मी गाइस। सब मैं सुन रहे हो भाई, ये बहुत बटवास टाइप आदमी है भाई। क्यों भाई? आपके टैटूज वाला अच्छा से चमक गए थे और फिर उसके बाद नहीं, वो सारे काम छोड़ दिए भाई। नहीं, बाइक का साउंड तो पहले ही था। हाँ वो भी है। अभी मैं फिलहाल अपनी चाय ले रहा हूँ। आई गॉट वन टी। मतलब कोरोना टाइम पे इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जितना हो सके सेफ्टी मेंटेन करो। और बाकी मैंने कुरकुरे और लिए, तो मैंने इसे सैनिटाइज़ कर लिया और हाथ सैनिटाइज कर लिया। मैं हमेशा सैनिटाइज़र रख के चलता हूँ अपने बैग में। तो या दैट्स प्रिटी मच इट। और आज सुबह का तो यही है फिलहाल, और वापस जाएंगे तब अपन देखते हैं कि क्या और कर सकते हैं। मतलब सोच रहा हूँ इडली वगैरह खा लूँ, लेकिन जाते समय कोलार जाने में मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है यार। अभी यहाँ से वैसे जाते समय तो पूरी ढलान है, बट स्टिल इट्स अ वेरी टफ जॉब। तो या लेट्स सी क्या होता है। फाइनली अपना हो गया चाय वगैरह, और अब मैं सोच रहा हूँ घर जाने की। तो अब निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मेरे हिसाब से अंदाजे से पौन घंटा तो लगना चाहिए अपन को घर पहुँचने में। तो लेट्स सी कि 45 मिनट्स में अपन पहुँच पाएंगे कि नहीं। और हुआ तो केडी रुकते हुए चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ केडी के वो जो ब्रिज है ना, वहाँ पे अपन चल दें और फिर वहाँ से साइकिलिंग, मतलब साइकिलिंग करते करते वहाँ तक पहुँच जाएँ, और उसके बाद वहाँ से पैदल उतर जाएंगे सीढ़ियों से। तो वो सही रहेगा, फिर वो शॉर्टकट भी हो जाएगा और इतना ज़्यादा अपन घूम चुके हैं ऑलरेडी, तो वो एक सही चीज़ हो जाएगी। आई थिंक वहाँ बैठना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ बैठने को मिला नहीं। तो आई एम वेरी सिक नाउ, मतलब मुझे चाहिए कि वहाँ बैठूँ, गाने सुनूँ पुराने टाइम के। सो लेट्स गो, अब अपन जाते हैं वापस अपने घर। बट देखते हैं, केडी साइड से तो निकलना होगा ही, तो वहाँ से घूमते फिरते चलेंगे अपन। सो या लेट्स गो। जाते समय तो अपन को काफ़ी जगह ढलान मिलेगी, तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा। सो अब आएगी ढलान। सो लेट्स गो, 1 2 3 चलो। नहीं नहीं बेटा नहीं, वो पीछे दौड़ने की फुल फिरात में था वो। क्या बात है, मजा आ गया भाई, सुबह बन गई अपनी। वाओ, ये तो काफी तेज है भाई, काफी ज्यादा तेज हो गया। वोहू, साइकिल से आया सनम, साइकिल से रहे रांची से आया गोरी तेरे लिए, मर जाएंगे मिट जाएंगे रे सनम, थोड़ा सा प्यार कर लो। डोंट जज मी गाइस, लिटरली डोंट जज मी। मैंने सिर्फ तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए किया है। व्लॉग सिर्फ तीन चीज़ों से चलते हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो मैं वही कर रहा था, मतलब प्लीज़ डोंट जज मी फॉर दिस। चलो यार, लेकिन मज़ा आया मुझे, ये गाना बड़ा अच्छा है। पता नहीं मैंने कहाँ सुना था ये, मैं बिलासपुर गया था तो वहाँ छत्तीसगढ़ में ये सॉन्ग है, छत्तीसगढ़िया ही सॉन्ग है। तो क्या ये वहाँ पे डीजे पार्टीज में बजता है भाई ये गाना कभी कभी, मतलब डिमांड पे, ऑन डिमांड लोगों की। तो वो मेरे को गाना चढ़ गया था वहाँ से, तो ऐसे कभी कभी गा लेता हूँ मैं। गलत था कि ढलान ही ढलान मिलेगी, चढ़ाई मिल रही है। तो जब यहाँ से आए थे तब भी चढ़ाई थी, जब यहाँ से जा रहे हैं तब भी चढ़ाई है। ये हो क्यों रहा है अपने साथ ऐसा, गलत हो रहा है ये तो भाई। हाँ ये देखो भाई, आए थे तब भी चढ़ाई थी। वो अंकल सुट्टा फूकते जा रहे हैं और मेरे मुंह पे गोल्ड फ्लेक मार रहे हैं धुआं, मतलब ऐसा लग रहा है मैं ही सुट्टा फूक रहा हूँ। हाँ मतलब गलत है बाबा, बहुत गलत है। ये आप फेंकेंगे, ये देखो फिर धुआँ फेंका उनने, फिर धुआं फेंकेंगे। अभी तो ट्रेन के इंजन की तरह चल रहे हैं धुआं उड़ाते हुए। अपन सोच रहे थे अपनी सिर्फ जाते टाइम तो मज़ा आ जाएगा, कोई मज़ा वजा नहीं आ रहा, उमस इतनी हो रही है, ऊपर से चढ़ाई ही चढ़ाई। चलो आज तगड़ा वर्कआउट हो गया, मतलब अब मिली ढलान, मज़ा आ गया। मैं ये बोलता हूँ और चढ़ाई चालू हो जाती है यार। ढलान मिली, मज़ा आ गया, बोला फिर चढ़ाई चालू हो गई। ये देखो अब बोलूँगा ही नहीं भाई मैं, अब मैं जाहिर ही नहीं करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, मुझे मेरा मजाक नहीं उड़वाना। देखा है वाला मीम? या
यार सीट में अपन को जल्दी से एक कुशन कवर लगाना पड़ेगा। अभी इसमें ये स्टॉक सीट है तो ये बहुत प्रॉब्लम कर रही है। इसने मेरा पॉलीटेक्निक चौराहा सजा दिया। और बता रहा हूँ मैं, हबीबगंज तो ये देखो लाल हो गया। ये तुम समझोगे नहीं, कोड लैंग्वेज है ये, भोपाली लोग समझ सकते हैं। एक्चुअली कोड लैंग्वेज नहीं, एरियाज के नाम है। यहाँ पे पॉलीटेक्निक चौराहा एक जगह का नाम है, हबीबगंज स्टेशन है यहाँ पे। सो मैं गाली नहीं देता ना भाई, पारिवारिक ब्लॉग है अपना और ना उठपटांग बात करते हैं। तो बस इसी ज़रिए तो मैं समझा देते हैं कि कैसा क्या है। बट अपन को सीट लेनी पड़ेगी, ये कन्फर्म है। किसी ने आवाज़ दी, देखते कौन है। नमस्ते भाई, अरे शुक्रिया भाई, सही है। जाते समय भी दिखे थे तुम लोग, आते समय भी दिखे। तो भैया पूरा ऐसा राउंड लेके घर जा रहे हैं ना ललिता। अच्छा अच्छा बढ़िया, आप भी ऐसा पूरा ललिता नगर में रहते हो? अच्छा, मैं भी उसी साइड रहता हूँ। जब हम लोग कोचिंग जाते थे ना पिछले साल, हाँ हाँ, तो आपके भाई तो हमारे पूरे कोचिंग को जाती थी। अच्छा अच्छा, सबसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको तब देखा था जब मैं 15 साल का था और आप 300 TNT पे जा रहे थे। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह टाइम में, और तो मैं फुटबॉल खेलने जा रहा था। ओके ओके, हाँ, समर वेकेशन से टाइम। हाँ हाँ हाँ, मोर काफी टाइम से मेरे को आवाज आ रही है लेकिन कोई दिख ही नहीं रहा मोर कहीं। स्वर्ण जयंती में दिखता है, एक पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। क्या बात कर रहे हो, स्वर्ण जयंती पार्क अभी तक नहीं गया यार ब्लॉगिंग के लिए, कभी चले आऊंगा। ओके ओ भैया, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, ये बात तो भाई सेल्फ मेड नहीं, मतलब शुक्रिया भाई, सेल्फ नहीं यार, बहुत कम इंस्पिरेशन मिल जाती है भोपाल में, बहुत कम लोग है ना सर कर रहे हैं बस कोशिश, लोगों का प्यार मिल रहा है, सारी चीजें हैं तो फिर कंटिन्यू मिलेगा 100%। हाँ कर रहे हैं लोग, अच्छा है सपोर्ट, सही है। चलो मैं जाता हूँ नहीं तो बॉडी हीट कम हो जाए, हाँ ठंडी हो जाएगी। सेम यार भाई, सेम यार सेम यार। सो यार बड़ा अच्छा लगता है सब्सक्राइबर्स से मिलना भाई, काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं मतलब अपन को, जिस हिसाब से वो बता रहे हैं, पहले R15 थी भाई, काफ़ी टाइम से मतलब अपन को रेगुलर चेक करता रहता है व्लॉग। चलो अच्छा है भाई, और इंस्पिरेशन बोला, काफ़ी बड़ी चीज़ है भाई लोगों को इंस्पायर करना। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं मानता अपने आप को, बट यह कि लोग इंस्पायर होते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा लग रहा है सुन के कि लोगों के मन में है रिस्पेक्ट अपने लिए, अच्छा है भाई। सब आगे बढ़ो, सब आगे खुश रहो, बस सब सॉर्टेड है। चलो अपन पहुँच गए KD वाले ब्रिज पे, तो लेट्स गो। मैं तो जगह के नाम रख रहा हूँ, एक वो सिंगमसल चौराहा है, एक बियर वाला चौराहा है। इस ब्रिज का नाम आज से हरियाली ब्रिज, कोई नहीं बोलेगा KD वाला ब्रिज से, अपने जितने सब्सक्राइबर है सब बोलेंगे हरियाली ब्रिज, क्योंकि यहाँ बहुत हरियाली है। ये देखो, देखा है वो वाला ब्लॉग? नहीं देखा तो यहाँ कहीं आ रहा होगा लिंक, वहाँ जाके देख के आओ हरियाली ब्रिज क्यों नाम रखा अपन ने। चलो जब तक अपन पहुँचे एक राउंड मारे और फिर अपन घर। अरे बाप रे, थोड़ी आगे तक अपन साइकिल से चलेंगे धीरे धीरे और फिर पैदल हो जाएंगे। मेरी इतनी लंबी पैदल जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही अभी, कोई मोटिवेशन नहीं है अभी, कोई अभी मोटिवेशन नहीं है। नहीं तो फिर वो होता है ना जिम में, अपन 3 पुशअप मारते हैं थक जाते हैं और फिर कोई बंदी आती है तो आप 8 पुशअप और मार लेते हो, भले कंधे कितना इधर दें, चेस्ट कितना इधर दें, तो वही मोटिवेशन। तो अभी तो कोई मोटिवेशन नहीं है, आराम से चलते रहो धीरे धीरे। नहीं ये होता है भाई, और ये सबके साथ होता है, दिस इज ह्यूमन नेचर। इतना पीसफुल माहौल है आज, आज कोई भी नहीं है,
मतलब बहुत कम लोग हैं और आज सन्नाटा छाया हुआ है, मतलब कितना ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है यार। ये सही है यार, चाय वाय बना के लाए वो लोग तो घर से, बढ़िया कप वप में सर्व करके पी रहे हैं और बढ़िया लंच वंच पैक करके लाते हैं वो तो। सही है भाई, मतलब ऐसे ये पिकनिक स्पॉट सही है भाई, अगर कोई भी चाहे तो ये चीज़ कर सकता है। खैर अपन ने तो कुछ नहीं करना, घर जाना है अभी, और घर जाते जाते मैं इडली का कॉर्नर दिख गया खुला हुआ तो इडली खा लेंगे, या फिर आज कुछ और खाते हैं यार। आज वो वहाँ पे एक और दाल पकवान मिलता है तो वो तो मैं देख खा के बताता हूँ टेस्ट कैसा है वहाँ का। हाँ चलो यार, ये चीज़ें भी दिखाता हूँ यार ब्लॉग में, प्रॉब्लम ही क्या है। सही है बाबा, सब सही है, एक नंबर। तो मैं यहाँ केडी यूजुअली आता हूँ तो मैं क्या करता हूँ वो आपको बताता हूँ। मेरी जो स्पॉट है जहाँ मैं बैठता हूँ हमेशा, पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ उसके बाद आपको बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। सो गाइज फाइनली वी आर हेयर और दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस। केडी पे जब भी आता हूँ इस ब्रिज पे तो मैं यहाँ बैठता हूँ एंड मुझे यूजुअली म्यूज़िक सुनना पसंद है। यहाँ पे अपन फ़ोन में अपने गाने चला लेते हैं पुराने ज़माने के, तो सुकून से यहाँ बैठे रहो और इतना अच्छा लगता है यहाँ सुबह आके। अभी अपन तो काफ़ी दूर से आए हैं बट ये कि अभी थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करूँगा उसके बाद घर जाऊँगा। गाने प्ले करके नहीं सुना सकता, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा तुम्हें पता है। बट ये है कि प्लेलिस्ट थोड़ी बहुत बता सकता हूँ कि किस टाइप के सॉन्ग सुनता हूँ मैं, मतलब क्या हुआ तेरा वादा शायद सुना होगा, पुराने ज़माने के सॉन्ग्स हैं सारे, तो आई एम ओल्ड स्कूल लवर तो मुझे ऐसे ही गाने पसंद है। चलो यहाँ थोड़ी देर बैठूंगा और उसके बाद मैं वापस आता हूँ आप लोगों के पास। तो काफ़ी देर अपन अब बैठ चुके हैं, अब अपन को जाना चाहिए तो साइकिल उठा के जा रहे हैं ताकि अपन जल्दी से यहाँ से नीचे पहुँचें और फिर वहाँ से घर। अगर हो सका तो कल अपन आएंगे स्वर्ण जयंती पार्क, तो आपको ये पार्क भी दिखा देता हूँ। मैं भी वहाँ नहीं गया, मतलब एक बार जब बहुत पहले गर्लफ्रेंड थी तब गया था, उसके बाद जाना हुआ ही नहीं। मतलब यहाँ बैठना अच्छा लगता था भाई, और कोई बात नहीं है, यहाँ ट्री हाउस है तो उसे वो पसंद था तो वहाँ चले गए थे एक बार। लेकिन अब अपन अकेले हो गए तो अपन काफ़ी टाइम से आए नहीं, एक ही बार गया हूँ मैं और इस वाली जगह से तो गया भी नहीं हूँ। तो कल आएंगे तो अपन यहाँ से होते हुए जाएंगे, मज़ा आने वाला है फिर कल। सो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करें, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।